हाँ जी, गुड मॉर्निंग 9th क्लास। इन लास्ट लेसन वी हैव स्टार्टेड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यू कैन से इन दैट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड और यू कैन से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वी हैव आल्सो डन एटम्स or compounds formed, or you can say or any compounds formed, or you can write the name of any compound, valency, symbols of atoms, atomic number, atomic mass. We have completed all these terms. Okay, today we are going to start a numerical portion, that is a mole concept. हाँ जी, फॉर मोल कंसेप्ट फर्स्टली क्या है, आपको क्या है कुछ वैल्यूज क्या है लर्न करनी पड़ेगी। जो मोल कंसेप्ट है हमारे, अगर जनरली में बात करूँगी मोल कंसेप्ट है क्या, और आप कह सकते हैं कि मोल जो वर्ड यूज कर रही हूँ मोल क्या है। जो मोल है हमारे पास वो क्या है, एक लिंक हम कह सकते हैं, कनेक्शन होता है कि इसके बिटवीन जो एटम्स का मास होता है और उनका जो उनमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके नंबर और उनके मास का एक लिंक है, जिसे हम क्या बोलते हैं मोल। क्या मोल क्या है, मोल इज अ लिंक बिटवीन मास ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स यानी मॉलिक्यूल। मोल हमारे पास है क्या, एक लिंक है, कनेक्शन है, किस किस के बिटवीन कनेक्शन है, जो एटम्स हैं उनके मास और उनके नंबर के इन बिटवीन क्या है, एक कनेक्शन है, एक क्या है लिंक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं मोल, जिसे क्या बोल रहे हैं मोल। तो बेसिकली जो हमारे पास क्या है, वन मोल की मैं बात करूँ, जो वन मोल ऑफ एटम्स है उसमें कितने, जो हमारे पास क्या है, जो वन मोल किसी भी हम कह सकते हैं जो एटम्स है उसमें कितने नंबर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो वन मोल जो वैल्यू आपको याद रखनी है, जो वन मोल एटम्स है उसमें कितने नंबर, कितनी काउंटिंग होती है, 6.022 इंटू जे फोर, जो जो वैल्यूज आ रहे थे आपको खुद से फिल करनी होगी, आपने न्यूमेरिकल के लिए याद रखनी है, 10^23 एटम्स होते हैं। जो वन मोल हमारे पास होता है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 6.022 इंटू 10^23 एटम्स। अगर तो हम इधर एटम्स के मोल्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, एटम्स होंगे। अगर सपोज मैं इधर मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर बताना है कितने होते हैं, जो नंबर बता रही हूँ मैं, तो उसमें क्या होते हैं, 6.022 वैल्यू सेम है, लास्ट पे क्या आ जाएगा रजे, मॉलिक्यूल्स। एटम्स की बात कर रहे हो तो एटम्स आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा। रजे आप जो हमारे पास क्या है, मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ इधर, मेरे पास क्या है वन मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्या है वन मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें ऑक्सीजन के कितने नंबर प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसके कितने नंबर प्रेजेंट है, कितने नंबर प्रेजेंट होंगे, वन मोल मॉलिक्यूल किसी भी का भी किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स, कितने प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10^23। अगर कोई एटम दिया है तो आप एंड पे क्या बोलोगे, एटम्स। अगर कोई मॉलिक्यूल फॉर्म दिए तो आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल्स। अब एक और बात आपको बता दें इसके साथ ही, कि जो ये नंबर है ना 6.022 इंटू 10^23, इसे हम एक नेम देते हैं, क्या नेम देते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। क्या नेम देते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। न्यूमेरिकल जितनी वैल्यू आपने खुद फिल करनी होगी, कहीं पर गिवन भी हो सकती है, वैसे मोस्टली आपको खुद फिल करनी होगी, तो इसकी वैल्यू याद रखना, जो एवोगैड्रो नंबर है इसे रिमूव करते हैं हम एल से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10^23। ओके रजे, और बेसिकली जो हमारे पास क्या है, अगर हम एटम्स के मोल की बात कर रहे हैं, वो पहले क्लियर कर दिया कि जो भी एटम हमने लिया होगा वन मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे वो चीज देखेंगे। टू मोल्स है तो उसे क्या है, हम 6.022 को क्या है, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लो टू मोल्स गिवन है, थ्री मोल्स गिवन है, थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये जो कॉमन है कि जितने भी उसके नंबर इंक्रीज होगा हम मल्टीप्लाई करके क्या उसके नंबर निकाल सकते हैं। जो जो सिंपल बातें हैं, न्यूमेरिकल में कैसा आ सकता है वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, वहां पे भी सेम चीज हो जाएगी, टू अगर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री मोल्स है तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट रजे हमारे पास क्या है, जो इसके वेस्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए पहले क्या है आपको कुछ क्या है, जैसे ग्राम अटोमिक मास होता है, वो टॉपिक क्लियर कर लेंगे। ग्राम अटोमिक मास होता क्या है, ग्राम अटोमिक मास क्या होता है, किसी भी
सबस्टांस का जो मास है जब हम क्या उसे ग्राम्स में लिखते हैं, जब किसी भी सबस्टांस के मास को हम ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं, मीनिंग पीछे ग्राम लगा कर लिखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। उसे क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। बेसिकली हम मास किस में डिनोट करते हैं, न्यू लिखते हैं ना पीछे, आप न्यू लिखते हो ना मास के पीछे जो ऐसा सिंबल डालते हो, लेकिन जब उसे ग्राम में कैलकुलेट करते हो तो डेट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। मान लो किसी चीज का भी मैंने बोल दिया ऑक्सीजन, जो वैसे हम क्या लिखते हैं 60 न्यू, तो मैंने बोल दिया इसका मास कितना है 60 ग्राम, तो जो 60 ग्राम मेरा ये क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। इसे हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मीनिंग जब भी किसी भी चीज का मास हम ग्राम में लिखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ओके रजे, और जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास किया जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो किसी भी मॉलिक्यूल का मास जितना ग्राम्स में होगा, पीछे जी लगाए के जो ग्राम वाली टर्म होती है, तो वो क्या होगा, उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। ओके, तो लाइक हमारे पास अब जो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास है जो किसी भी चीज का, जो मोलर मास है वो किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास। पहले एक सिंपल बिल्कुल सिंपल सी टर्म है मॉलिक्यूलर मास, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लें। जो मोलर मास है किसी भी चीज का वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास के। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए जैसे फॉर्मूला है H2O, सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाइड्रोजन का कितना मास होता है, 1, सभी को पता है कितने एटम्स हैं, 2 × 1, जो नीचे होगा उसे मल्टीप्लाई कर लिया। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन अलग है ना, तो सेंटर में प्लस आता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 18 आ गया ना। आप मतलब थोड़ा टफ एग्जांपल लेकर करेंगे। अब रहता जो हमारे पास ये 18 आ गया, अब जो 18 को हम किस में लेंगे, ग्राम्स में, ग्राम पर मोल में। तो जब भी किसी चीज का हमें मोलर मास निकालना है होता है तो वो किसके इक्वल है, मॉलिक्यूलर मास के, मतलब जितना भी मॉलिक्यूल का कंबाइंड मास बनेगा, लेकिन उसकी यूनिट्स क्या होती है, ग्राम बाय मोल। कैलकुलेट करके कंफ्यूज मत हो जाना कि मोलर मास कहाँ से कैसे कैलकुलेट करना है, जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज इक्वल टू मोलर मास। कोई और एग्जांपल ले लो, आप कोई भी ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कोई भी ले लो, उसमें क्या है, इधर आप कार्बन का मास लिखोगे पहले जितना भी होता है, प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, जितना भी मास है ऐसे क्या है आप कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी एटम आपको दिया है आपको उसका जो एटॉमिक मास है वो पता होना चाहिए, बाकी सारे उस मॉलिक्यूल के जितने भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास पता है, हमें प्लस से करना है। अगर किसी के 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर किसी के 3 हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं C2H2 का मैंने कैलकुलेट करना है, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है ना, तो 12 × 2, क्योंकि कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, तो बोर्ड साफ कर लें पहले, ठीक है, तो C2H2 कार्बन का कितना होता है 12 का कितना आएगा 2+, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 2, इधर क्या है 2 × 12 कितना आ जाएगा 24, तो 24 में 2+ किया कितना आ जाएगा 26 ग्राम पर मीनिंग मॉलिक्यूलर मास। आपको एटॉमिक, इसीलिए मैंने पहले आपको फर्स्ट 30 का एटॉमिक मास लर्न करने के लिए बोला था, क्योंकि रजे जो आपका न्यूमेरिकल होगा ना उसमें आपको एटॉमिक मास गिवन नहीं होगा। एटॉमिक मास अगर आपको याद है कि कार्बन का 12 है तभी आप उसका मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलर मास फाइंड आउट करने में कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मॉलिक्यूलर मास अगर कोई कहेगा फाइंड आउट करना है तो उसे भी आप ऐसे ही फाइंड आउट करोगे, अगर कोई मॉलिक्यूलर मास कहेगा तो भी, और अगर आपको कोई मोलर मास कहेगा तो भी आप ऐसे ही फाइंड आउट करोगे। ओके रजे, क्लियर, ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे मेन चीज यही है कि एटॉमिक मास यू हैव टू लर्न, क्योंकि एटॉमिक मास कहीं पे गिवन नहीं होगा कि कार्बन का इतना है, जिंक का इतना है, वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट रजे अब हम मोल कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो मोल कंसेप्ट में 3 चीजें आपको जब भी न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें आपने 3 चीजें याद रखनी है। एक सबसे पहली बात क्या है, जो 1 मोल है एटम्स का, 1 मोल किसके इक्वल होगा, इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, जो अभी हमने बात की थी। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जो ग्राम में हम जब किसी का मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं तो दैट इज अ ग्राम एटॉमिक मास। और 1 मोल ऑफ एटम्स और किसके इक्वल होता है, जो उसके नंबर्स होते हैं, जो एवोगाड्रो नंबर की हमने बात की थी, 6.022 × 10^12।
ओके, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है, ये मतलब दो चीजें, इनको कैसी किसी भी और आप कर सकते हो। तो क्या है, आइदर ग्राम एटॉमिक मास आगे रख लो, इक्वल टू वो कर दो, आपको एक ही बात है, कुछ भी कर लो। तो इसके बेस पे क्या है, आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ कि स्टेटमेंट आपके पास क्या हो सकती है। हाँ जी, मान लो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेकिन ग्राम एटॉमिक मास आपने 40 डायरेक्ट नहीं भर देना, क्योंकि 40 जनरली कैल्शियम का है, हमें गिवन किया है 5 ग्राम कैल्शियम गिवन है ना, तो पहले हमने किसका कैलकुलेट किया 1 ग्राम कैल्शियम का, फिर 5 वाली स्टेटमेंट लगा करके आए, उसे निकाल लिया और जितना भी आंसर आएगा मोल्स में वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो नंबर हमने कैलकुलेट करना था, जो आंसर हमने कैलकुलेट करना था कि कितने मोल प्रेजेंट है, कितने मोल प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ एटम्स में, उसके ग्राम एटॉमिक मास की इक्वल करके जो हमारे पास आ गया 0.125। ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं कोई। हाँ जी, सेकंड सपोज अगर हमें गिवन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम, 0.2 मोल किसका दिया है हमें, सोडियम, सोडियम पूरा नहीं लिखूंगी, आपको फॉर्मूला पता है। तो क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ, पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था, मोल्स कैलकुलेट किए थे, अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स। अब हमें एक चीज तो पता है कि जो 1 मोल ऑफ एटम्स होता है, 1 मोल जो मैंने पहले ही आपको कुछ 3 टर्म्स लिखाई थी, 1 मोल ऑफ एटम्स किसके इक्वल होता है, 6.022 × 10⁻²³ एटम्स, क्लियर, यही किया था। अब हमने कैलकुलेट किसके करने हैं, 1 मोल की जगह किसके कैलकुलेट करने हैं, 0.2 मोल के, तो 0.2 मोल के करेंगे तो उसे जाकर क्या कर देंगे, मैंने बोला था ना 2 मोल हो, 3 मोल हो, 4 मोल हो, कितने भी हो, आपने आंखें बंद करके क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई, तो इसे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 0.2। एटम्स निकालने बहुत ईजी है, इतना सिंपल न्यूमेरिकल वैसे आता नहीं होता, फिर भी जरूर ट्राई कर लेंगे तो कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास अगर और किस टाइप की कैलकुलेशन आ सकती है आपके पास, हाँ जी, सपोज नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हाउ मेनी मोल्स आर
9.033 इंटू 10^4 24 एटम्स ऑफ हीलियम हमें काउंटिंग किसकी दे दी, हम एटम्स की दे दी, कैलकुलेट क्या करना है, मोल्स करना है। अब हमने क्या किया था कि जो 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.022 स्टेटमेंट, बस इसे इसी को माना है और कुछ नहीं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है हमारे पास। तो जो किसके इक्वल होता है 1 मोल के इक्वल होता है ना, तो जो हमारे पास अब क्या हम बात करें कि जो 1 की कैलकुलेट करेंगे, तो जो 1 जैसे मैंने पहले कहा था कि मान लो 6.0 मान लो लीजिए तो होती है ना, उसके बाद हमने क्या मान लिया, हमने कैलकुलेट करना है कितने एटम्स के लिए, 1 के लिए, तो जो 1/6.022 हो जाएगा इंटू 10^23। अब एक्चुअली में कैलकुलेट किसके लिए करना है, इस काउंटिंग के लिए, इसे ओकेशन बना ली वैसे ही सेम प्रोसेस में 24 और जो आगे इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपने क्या अगर सॉल्व करना है। अब मल्टीप्लाई करके आगे क्या है हमारे पास, जो 9.033 इंटू 10^24 है, जब आप उसे मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी कुछ कटिंग हो जाएगी, जीरो की बात करें तो ऊपर 24 है नीचे 23 है ना, आप उसे अकॉर्डिंग कट कर सकते हो, ऊपर 1 जीरो पेंडिंग रह जाएगी, पॉइंट्स निकाल कर भी क्या है आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, मीनिंग फॉर्मूले वही है, बस क्या है स्टेटमेंट चेंज होगी, कभी आपको मोल्स निकालने हैं, कभी आपको क्या है आइटम्स निकालने हैं, कभी आपको क्या है हम कह सकते हैं उसके मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, या तो मास भी निकालना हो सकता है, डिपेंड करता है इसे कि स्टेटमेंट पे पूछा क्या है। लेकिन जो इसकी कॉमन बेसिक 3 कंसेप्ट हैं, एक तो कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक मोलर मास किसके इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास के, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है जिसे ग्राम्स में डिनोट कर देते हैं, उसके बाद कैलकुलेट आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखना है, एटॉमिक मास। ओके रजे, जितने भी अब आपके एनसीईआरटी बुक में क्या है इसके जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, नहीं तो किसी भी एक्स्ट्रा बुक में से जितने भी आपको प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, आप एक बार क्या है अपने रफ नोटबुक पे सॉल्व करके देखोगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो मेरे को उसकी फोटो भेज देना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो न्यूमेरिकल क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।